हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोजर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में अंदर ही अंदर बहुत सारी दिक्कत होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप टेक्निकल मास्टर तो हो नहीं एंड हमारे फ़ोन के अंदर क्या खराबी हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों अगर आप इस मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन के अंदर क्या इशू है, क्या खराबी है एंड उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। लाइक आपके फ़ोन में बैटरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके फोन के प्रोसेसर में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके फोन के रैम में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कि सारी की सारी चीजें आप पता कर सकते हो कि आपके फोन में कोई खराबी है या फिर नहीं है एंड है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके फोन में ये ट्रिक काम करे तो फटाक से हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ये जो बेल आइकॉन है इसे आपको ऑल पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक कमेंट करना है कि वर्किंग ट्रिक या फिर आप नाइस वीडियो लिख सकते हो। जहाँ दोस्तों जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख के आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ऐसे आपको कर देना है तो ये ट्रिक आपके फोन में वर्क करने लगेगा। सो गाइस उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम है डॉक्टर कैप्सूल। ये एप्लीकेशन वैसे तो प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा एंड अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो को एंड में बता दूंगा कैसे आप इसे डाउनलोड करने वाले हो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल ये ओपन हो रहा है एंड देन गाइस आपको गेट स्टार्टेड करना है, अलाउ कर देना है परमिशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने परमिशन दे दिया है एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको इसे हटा देना है। अब आपको करना क्या है, देयर इज नो स्कैन हिस्ट्री। सो अभी आपका एक भी स्कैन नहीं हुआ है, सो आपको स्कैन के ऊपर क्लिक करना है एंड इसे आपको सबसे पहले अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड ये पूरा का पूरा 100% होने देना है। देख सकते हो सबसे पहले तो दोस्तों ये वायरस का स्कैन करेगा कि आपके फ़ोन में कहीं वायरस तो नहीं है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने ही वायरस को पूरा का पूरा आपके फ़ोन को स्कैन करेगा एंड वायरस रहेगा तो ऑटोमेटिक ये बता देगा, सभी एप्लीकेशन को ये स्कैन करेगा, फाइल्स को स्कैन करेगा एंड सारी चीज़ें। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो इशू है बता रहा है कि आपके फ़ोन के बैटरी में कोई इशू है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले परमिशन दे देते हैं, यहाँ पर अलाउ करने को बोल रहा है सो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए यूजर्स जो एक्सेस होता है इसे हमें देना होगा तब जाके ये एप्लीकेशन सही से हमारे फ़ोन में वर्क करेगी। उसके बाद बैक आना है उसी एप्लीकेशन में एंड देन गाइस यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपके फ़ोन को पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज कर देगा आपके फ़ोन के बैटरी को एंड जो जो इशू है आपके फ़ोन के बैटरी में वो फटाक से ये जो है सॉल्व कर देगा। मतलब कि आप समझ सकते हो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके फ़ोन की ये जो है तुरंत सॉल्व कर देगा। तो इसे हो जाने देते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लीन अप जंक फाइल, मतलब कि जो फालतू की फाइल्स हैं उसे आपको क्लीन कर देना है, अपने फ़ोन को हटा देना है एकदम, जो भी कचरा है ना उसे साफ कर देना है। ये तो ऐसे जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो डिलीट कर देते हो तो उसका जंक फाइल रह जाता है तो उसे आपको डिलीट कर देना है। सो फाइनली यहाँ पर आप देख लीजिए कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ोन बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, ये सब दोस्तों जब आप पूरा स्टेप फॉलो करोगे तभी ये सब ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे हमने ये फ़ोन बूस्ट का ऑप्शन भी कर दिया एंड देन गाइस आप देख सकते हो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं रह गया है, सारी की सारी जो दिक्कतें थी वो आपने तुरंत सॉल्व कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रनिंग एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, देन गाइस यहाँ पर आपको ये जो है इग्नोर लिस्ट, मतलब कि जो चीज़ें आप इग्नोर करते हो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब हमने क्या क्या किया, स्कैन किया वायरस का, बैटरी को हमने ठीक किया, अपने फ़ोन से फालतू की चीज़ें डिलीट करी एंड अपने फ़ोन को बूस्ट कर दिया, तो ये चार चीज़ें हमने करी है। मतलब ये है कि अब हमारे फ़ोन में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं रह गई है। सो ये चीज़ दोस्तों अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे हफ्ते दो हफ्ते पे सो बहुत ही अच्छा है आपके फ़ोन के लिए। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर आप चाहते हैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना सो इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसे कर लीजिए। सो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आप एक यार नए व्यूअर हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।